पाकिस्तान की सैड इकोनॉमी से कौन नहीं वाकिफ है, लेकिन आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नहीं, घबराने की बात है। पामा या पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार जून 2023 में पाकिस्तान ने सिर्फ 6074 गाड़ियां बेची। कॉन्टेक्स्ट के लिए, इंडिया में सिर्फ ह्यूंडई ग्रैंड आइटन की सेल पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। इस क्राइसिस का रीजन सीकेडी किट्स की शॉर्टेज। प्राइमरी एक कार मेकर तीन तरीकों से गाड़ी प्रोड्यूस कर सकता है। पहला सीकेडी या कम्प्लीटली नॉकडाउन, जहां गाड़ी डिफरेंट पार्ट्स में आती है और लोकली असेंबल होती है। दूसरा है सीबीयू या कम्प्लीटली बिल्ट अप यूनिट, सबसे महंगा ऑप्शन, जहां गाड़ी वैसे की वैसी कंटेनर शिप में रख के इंडिया आती है, असेंबली की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। एग्जांपल है लेक्सस की सारी गाड़ियां। तीसरा है एसकेडी या सेमी नॉकडाउन, सीबीयू और सीकेडी के बीच का रास्ता, जहां गाड़ी इंडिया में बड़े कंपोनेंट्स में आती है, जैसे इंजन, ट्रांसमिशन और वायरिंग हार्नेस। पाकिस्तान में सीकेडी यूनिट्स की शॉर्टेज का इतना बुरा हाल है कि टोयोटा और सुजुकी ने प्रोडक्शन टेम्पररली बंद कर दिया। ऊपर से इंडिया के टाटा महिंद्रा जैसे लोकल प्लेयर्स भी नहीं है, तो क्या करें? सब्सक्राइब कर लेते हैं। सही बात, सब्सक्राइब टू कास्ट 24।